बीच में एक मैरून निशा जी जो डिस्ट्रिक्ट एटा से चल के आई हैं हमारे बीच में, और वो महिलाओं के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, आज जो महिला दिवस है इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहती हैं? आज महिला दिवस है, हम लोगों को यहाँ अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए बुलाया गया है। सभी प्रतिभाएँ किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक, कोई एजुकेशन। मैं अपने क्षेत्र में महिलाओं की जागरूकता का कार्यक्रम करती हूँ। मैंने अब तक 4,000 महिलाओं को जागरूक कर चुकी हूँ। नई रोशनी योजनाओं के माध्यम से मैंने महिलाओं को दिशा दी है, और महिला शक्ति शिरोमणि अवार्ड ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुलाकर महामहिम राज्यपाल जी द्वारा और पूर्व VC द्वारा हम लोगों को दिया गया। ये मैडम सम्मान मिला है या आपको एक जिम्मेदारी मिली है? ये सम्मान तो है ही, लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी है कि हमने अच्छा किया है, लेकिन आगे हम और अच्छा करें, आगे हम और अच्छा करें। इस अवार्ड से हमें और नई शक्ति मिली है। मैडम, एक तरफ ये देखा जाता है कि महिलाओं को एक बंदिश होती है कि आपको एक प्रथा में रहना है, घूंघट प्रथा करनी है। एजुकेशन होने के बावजूद भी हम अभी इस चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं। हाँ, बंदिश होती है। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ और ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर पर्दा ही रहता है, और मैंने शायद शुरुआत में जब काम किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परिवार वालों का विरोध सहना पड़ा था। उस पर मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया, जो आज मैं इस मंच तक पहुँची।